अस्सलाम वालेकुम जी, टैलेंट कनेक्टिंग सर्विसेज के प्लेटफॉर्म के ऊपर वेलकम करते हैं। पिछले 4-5 दिन से हम अक्सर अपने फेसबुक पेज के ऊपर ये पोस्ट करते हैं कि जी आज पहला इंटरव्यू जो है वो बहावलपुर से आए थे लोग, आज गुजरात से आए थे, आज गुजरांवाला से आए थे, कल हमारे पास जो है वो कश्मीर से पहला बंदा जिसका पहला इंटरव्यू हमने यहाँ पे किया था। अच्छा, जब मैं वर्ड इंटरव्यू इस्तेमाल करता हूँ तो बच्चे डर जाते हैं कि पता नहीं जाएंगे तो क्या इंटरव्यू होगा, क्या पूछेंगे, क्या बात होगी, पता नहीं हम पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये जॉब इंफॉर्मेशन सेंटर है। इंटरव्यू से मुराद हमारा सिर्फ इतना होता है कि आपकी मुलाकात होती है, यानी आप लोग आते हैं, आप हमसे जॉब की इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसमें से जो जॉब आप करना चाह रहे होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ना कि आपसे कोई सवाल किए जाते हैं या आपको इस वजह से कोई परेशान होना चाहिए। तो टैलेंट कनेक्टिंग सर्विसेज, क्योंकि हम डिफरेंट पोस्टें आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, लाइव सेशंस आपके साथ कर रहे होते हैं, वीडियोस आप तक पहुंच रही होती हैं, एड्स आप तक पहुंच रहे होते हैं, तो काफ़ी दिनों से मैं जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा होता हूं कि आज फलां शहर से लोग मेरे पास आ रहे हैं और इनका पहला इंटरव्यू यानी पहली मुलाकात इनके साथ इस इलाके से आए हुए शख्स की हुई। तो आज मेरे पास जो सबसे पहला फ़र्द पहुँचा है, वज्जाद अली उनका नाम है और ये सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, खैरपुर का इलाका इनका सिंध, वहाँ से तशरीफ़ लाएँ। पहली मुलाकात मेरी आज इनसे हुई है, तो आएँ उनसे भी गपशप करते हैं, उनको भी कैमरे में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अक्सर उन्होंने चूँकि कैमरा फेस नहीं किया होता, तो आप भी अक्सर हमें कहते हैं कि जी सर आप उनका रिव्यू ले लिया करें, उनसे बात कर लिया करें, उनकी वीडियो बना लिया करें। तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास जॉब के लिए आते हैं तो वो कैमरा फेस नहीं कर सकते होते, लेकिन उनकी इजाज़त से आज उनको कैमरे में लेकर आते हैं और कुछ सवालात हम भी करते हैं, कुछ हमारे भी जहनों में सवाल होते हैं, सिर्फ आपके जहनों में जो सवाल हैं वो सवाल नहीं है, तो उनसे गपशप भी करते हैं, देखते हैं वज्जाद साहब जो हैं आज सिंध से जो हमारे पास आए कैसा सफ़र रहा उनका, कितने घंटे का सफ़र था और मज़ीद डिस्कशन। अच्छा जी, वज्जाद भाई मेरे पास आए हैं और सिंध से तशरीफ लाए हैं। वज्जाद भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो। अच्छा वज्जाद कहाँ से आए हैं आप? सर मैं सिंध से आया हूँ, ज़िला खैरपुर से। खैरपुर से? जी सर। तालीम क्या आपकी? तालीम सर मैंने इंटर की है अभी। इंटर किया हुआ आपने? जी सर। पहले कोई जॉब की हुई आपने? नहीं सर, जॉब नहीं की अभी। लाहौर फर्स्ट टाइम आए आप? लाहौर फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा, पहली मरतबा आप आए? जी सर। कनेक्टिंग सर्विसेज का आपको कैसे पता चला? मैं आपको तकरीबन यूट्यूब से देख रहा था और फेसबुक भी आपको फॉलो किया। कितनी देर से फॉलो कर रहे हैं? सर तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए आपको देखे? जी सर। जबरदस्त। और आज आप लाहौर में फर्स्ट टाइम आए? जी सर। घर वालों को बता के मैं लाहौर जा रहा हूँ? जी जी बता कर आया हूँ। कैसे एतमाद आया घर वालों को, जिस बंदे को आपने कभी मिले नहीं, जिस अदारे को आपने कभी विजिट नहीं किया, जिस शहर में आप कभी नहीं आए, उस शहर में जब आप आए तो घर वालों ने मना नहीं किया भाई इतनी दूर जा रहे? सर असल में मैं घर बता कर आया कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा। जबरदस्त। तो इसलिए सबसे अब तो अभी मुमकिन नहीं है कि एडमिशन मिल जाए, यानी आप साथ तालीम भी लाहौर से हासिल करना चाह रहे हैं? जी सर। के साथ साथ पार्ट टाइम में जॉब कर रहा हूं। जी सर। जॉब भी करूं ताकि मेरे अखराजात पूरे हो जाए। तो वज्जाद आपका सफर कैसा रहा सिंध का, कितने घंटे का सफर है आपका? सर सफर बहुत अच्छा रहा, लेकिन 14-15 घंटे लग गए। 14-15 घंटे आपको, यानी पूरा 24 घंटे का टर्नओवर आपने गुजार दिया। जी सर। जबरदस्त। कितने दिनों से आप इस चीज का, इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि मैंने लाहौर जाना है, तैयारी कितने दिनों से शुरू सर? तकरीबन सर 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए। 8 माह हो गए कि आप सोच रहे थे कि मैंने लाहौर जाना है। 8 महीनों से ये प्लान बन रहा था। जबरदस्त। चलें जी, मुबारक हो, आज आप लाहौर आ गए और ये केक आप दिखाइएगा कैमरे में। ये जी वज्जाद भाई जो है वो स्पेशल एक केक लेके आए हमारे लिए, पूरी टीम के लिए, पूरे स्टाफ के लिए, कि भाई ये मैं लाहौर पहली बार आया हूँ आपके ऑफिस में फर्स्ट टाइम। सर इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम बच्चों से अक्सर कहते हैं कि आप अपने इलाके की सौगात ले आया करें, थोड़ी सी ले आया करें, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आप क्योंकि इतनी दूर से लंबा सफ़र तय करके आए हैं, मैं आपका दिल से मशहूर हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये आपकी मोहब्बतें, अल्लाह ताला की मोहब्बतों को सलाम। थैंक यू सर।